हेलो दोस्तों, आरके मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हुए इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में सेकंड 2020 मैच में इंडिया ने टॉस जीतते हुए पहले बॉलिंग का फैसला किया और श्रीलंका को बल्लेबाजी का न्योता दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला 2020 मैच था वह बारिश की वजह से रद्द हो गया था और पूरा नहीं हो सका था। दोस्तों, आज श्रीलंका ने पहले खेलते हुए स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि उनके ओपनिंग बैट्समैन अच्छा खेलेंगे, लेकिन जब श्रीलंका की पहली विकेट अविष्का फर्नांडो के रूप में गिरी तो उनका लगातार विकेट गिरती ही चलेगी। अविष्का फर्नांडो ने 16 गेंदों पर 22 रन बनाए 5 चौकों की मदद से। उसके बाद जल्द ही दूसरी विकेट भी श्रीलंका की गिर गई जो कि गुणातिलका के रूप में थी। उन्होंने 21 गेंदों पर 20 रन बनाए 3 चौकों की मदद से। उसके बाद कुशाल परेरा ने 28 गेंदों पर 34 रन बनाए जो कि श्रीलंका की तरफ से सबसे हाईएस्ट रन थे। उन्होंने 3 छक्के लगाए। ओसाडा फर्नांडो ने 9 गेंदों पर 10 रन बनाए 1 चौके की मदद से। राजा पाक्सा ने 12 गेंदों पर 9 रन बनाए 1 चौके की मदद से। सनाका ने 8 गेंदों पर 7 रन बनाए, कोई चौका कोई छक्का नहीं। उसके बाद धनंजय डिसिल्वा ने 13 गेंदों पर 17 रन बनाए 2 चौकों की मदद से। हसरंगा लास्ट तक नॉट आउट रहे, उन्होंने 10 गेंदों पर 16 रन बनाए 3 चौकों की मदद से। उड़ाना ने 2 गेंदों पर 1 रन बनाया और वह एसएन ठाकुर के शिकार हुए। मलिंगा जो कि कैप्टन है, वह पहली गेंद पर एसएन ठाकुर का शिकार हुए। उनकी कैच को कुलदीप यादव ने पकड़ा, उन्होंने 0 रन बनाए थे। उसके बाद लोहरू कुमारा लास्ट तक नॉट आउट रहे, उन्होंने कोई गेंद नहीं खेली और कोई रन नहीं बनाए। दोस्तों, इस प्रकार श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 142 रन बनाए। आज इंडिया की गेंदबाजी स्टार्टिंग के 5-6 ओवर में तो ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन उसके बाद इंडिया ने श्रीलंका को कहीं भी टिकने नहीं दिया। इंडिया की तरफ से बॉलिंग में बुमराह ने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लिया। एसन ठाकुर ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 23 रन दिए और 3 विकेट लिए। नवदीप सैनी ने 4 ओवर में 18 रन दिए और 2 विकेट। वाशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट और कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए। इस प्रकार श्रीलंका ने इंडिया के सामने 143 रनों का टारगेट रखा। इंडिया की टीम जब 143 रनों का टारगेट लेकर पिच पर उतरी तो उन्होंने अपनी मंशा को साफ जाहिर कर दिया था कि वह यह 2020 मैच किसी भी हाल में अपने हाथों से नहीं जाने देगी। इंडिया के दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए इंडिया को जीत की तरफ ले गए और उन्होंने अपना रोल काफ़ी अच्छे से निभाया। इंडिया का पहला विकेट केएल राहुल के रूप में गिरा, लेकिन केएल राहुल जब आउट हुए जब तक वह अपना रोल अच्छे से निभा चुके थे। केएल राहुल ने केवल 32 गेंदों पर 45 रन बनाए 6 चौकों की मदद से। शिखर धवन उसके बाद आउट हुए, उन्होंने 29 गेंदों पर 32 रन बनाए 2 चौकों की मदद से। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी एक अहम पारी खेलते हुए केवल 26 गेंदों पर 34 रन बनाए 3 चौके और 1 छक्के की मदद से। आज कोहली ने भी एक कप्तानी पारी खेली, उन्होंने 17 गेंदों पर 30 रन बनाए 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से। पंत एक बॉल पर 1 रन बनाकर लास्ट तक नॉट आउट रहे और कोहली भी लास्ट तक नॉट आउट ही रहे। इस प्रकार इंडिया ने महज 17.3 ओवरों में केवल 3 विकेट खोकर 144 रन बना डाले और यह मैच 7 विकेटों से अपने नाम कर लिया और इसी के साथ 3 2020 मैचों की सीरीज में भी 1-0 से बढ़त बना ली है। दोस्तों, आज श्रीलंका की बॉलिंग ज़्यादा दम खम नहीं दिखा पाई। ना मलिंगा ने कोई अच्छी गेंदबाजी की और ना दूसरे बॉलर्स ने कोई अच्छी गेंदबाजी कर पाए। मलिंगा ने 4 ओवर में 41 रन देकर 0 विकेट लिया। लहिरू खुमारा ने 3.3 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट लिया। धनंजय डिसिल्वा ने 2 ओवर में 15 रन दिए, कोई विकेट नहीं। सनाका ने 4 ओवर में 26 रन देकर कोई विकेट नहीं। हसरंगा ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए और शानदार ये मैच 7 विकेटों से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या श्रीलंका इतनी फिसड्डी टीम हो गई है कि वह 2020 में भी अपना ज़्यादा दमखम नहीं दिखा पाती और उनमें अपनी टीम में क्या बदलाव करने चाहिए कि वह अपनी टीम की भूमिका पहले जैसी निभा सके।
पहले जैसी उनकी जो ताकत थी वो वापस अपनी टीम में ला सकें। और इसी के साथ ये भी बताएं कि जो थर्ड 2020 मैच होगा, क्या श्रीलंका वापसी कर पाएगी या इंडिया 2-0 से यह सीरीज अपने नाम करेगी। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।